नई दिल्ली के चांदनी महल थाना क्षेत्र में अवैध हद वसूली का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता ने आज एक प्रेस वार्ता कर अपना दर्द मीडिया के सामने बताया। पीड़ित आमिर ने कहा कि मैं दरियागंज में मकान बनाने व रिपेयरिंग करने का काम करता हूं। कई सालों से हम इसी काम से अपना परिवार चला रहे हैं, लेकिन तुर्कमान गेट निवासी हारून हरीश एंड कमरान हमारे द्वारा बनाए गए मकानों की शिकायत एमसीडी प्रशासन से करते हैं। ये मुझे धमकी देते हैं कि कंप्लेंट वापसी ले, नहीं तो ये मार देंगे, तो ये कर देंगे। और इनके बड़े बड़े बदमाशों से ट्रम्स हैं जिनके ये हवाले देते हैं, मुझे धमकियाँ देते हैं, लोगों से दिलवाते हैं कि लोग इलाके के मोहल्ले के जो होते हैं इनके ताल्लुकात में। तो आपने एसएचओ को बताई ये बात क्यों? सर मैंने कंप्लेंट करी थी, इस चीज़ की भी कंप्लेंट करी थी, ये फरवरी में ही कर दी थी जब मैंने कोर्ट में 110 की एप्लीकेशन डाल के केस डाला था इस पर। तो उस केस में भी इसकी PIL उड़ गई थी, और सर 2022 के अंदर इसने PIL डाल रखी थी जिसपे इस पर कोस्ट पड़ी थी 10,000 की, वो PIL भी जज ने खत्म कर दी थी। कामरान ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर एक NGO बनाया हुआ है, जिसके माध्यम से कामरान हरीश हारून नए बनाए गए मकानों की शिकायत कर पैसे की मांग करते हैं। पैसे नहीं देने पर मकान तुड़वाने या सील करवाने की धमकी भी देते हैं। इन बदमाशों ने आमिर से भी 20 लाख रुपए की मांग की थी, आमिर ने देने से मना कर दिया, तो अब आमिर को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। जब आमिर ने अपनी शिकायत पुलिस को दी तो पुलिस ने भी मामला दर्ज करने में कई महीने लगा दिए। आमिर ने बताया कि पुलिस के बड़े अधिकारियों के दबाव में FIR हुई है, जबकि चांदनी महल थाना प्रमुख का बदमाशों पर पूरा आशीर्वाद बना हुआ है, ऐसा पीड़ित पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं। सर FIR दर्ज तो मेरी अब हुई है, ये कोई 10-12 दिन पहले, ये तकरीबन जो है मैंने कंप्लेंट दे रखी है फरवरी की 11 तारीख की, कंप्लेंट 11 तारीख की गई हुई है, FIR अब दर्ज हुई है। और उस बीच में इन्होंने मुझे बहुत टॉर्चर करा, कामरान ने भी, हारून हारिस ने, कामरान ने जो कंप्लेनर है जिसको मैंने कंप्लेंट करी है जिसकी। इन बदमाशों के डर से पीड़ित अपने बच्चों को स्कूल तक छोड़ने नहीं जा पा रहे हैं। आमिर कहते हैं कि लगता है हमने पुलिस में इन लोगों की शिकायत कर अपनी जान मुश्किल में डाल दी है, पुलिस भी बदमाशों के पक्ष में खड़ी नजर आ रही है। अब आमिर जल्द पुलिस के आला अधिकारियों से मिलकर अपनी व अपने पूरे परिवार की जान रक्षा के लिए गुहार करेंगे। राजधानी दिल्ली के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट दरियागंज इलाके के अंदर चांदनी महल थाना अंतर्गत एक ऐसा मामला सामने आया है जो प्रशासन के कार्यकारिणी पर सवाल खड़े कर चुके हैं। आपको बता दें कि प्रॉपर्टी बिल्डर मोहम्मद आमिर को जान से मारने की धमकी और प्रोटेक्शन मनी यानी रंगदारी मांगते हैं वहाँ के भूमाफिया। और मैं आज मीडिया के सामने इसलिए आया हूँ कि मैंने एक शख्स पे कार्रवाई करी थी, FIR कराई थी, उस पर लीगल एक्शन FIR तो हो गई, लेकिन चांदनी महल के SHO साहब ने अभी तक कोई उसकी अरेस्टिंग नहीं करी। शख्स का नाम क्या है, SHO का नाम क्या है? सर SHO का नाम है प्रभात, प्रभात जान। कौन से थाने में है? सर चांदनी महल। और जिस पर FIR कराई थी वो कौन है? सर मोहम्मद कामरान। मामला है क्या, क्यों कराई थी FIR? सर एक्सटोर्शन का मामला है, हमारा ठेकेदारी का काम है, जो लोगों का मकान वगैरह का रिपेयरिंग का काम करते हैं हम, प्लस्तर वगैरह करते हैं, तो उस चीज़ के लिए हमने जो है कंप्लेंट कराई थी, उसने हमसे पैसे मांगे थे 20 लाख रुपए। हारून हरीश और कामरान जो भूमाफिया हैं, इलाके के अंदर इन्होंने प्रोटेक्शन मनी जैसे रंगदारी टैक्स का आतंक मचा रखा है, जहाँ शिकार हो गए मोहम्मद आमिर। वहीं मोहम्मद आमिर ने बताया कि उनको जान से मारने की धमकी और रंगदारी टैक्स मांगने को लेकर इन्होंने दिल्ली के केंद्रीय जिला चांदनी महल थाना के अंदर शिकायत दर्ज कराई थी, जहां FIR होने में 3 से 4 महीने लग गए। वहीं FIR होने के बाद जो कई धाराओं में FIR दर्ज हुई, लेकिन अभी तक चांदनी महल थाने के SHO महोदय ने किसी भी आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। आपको बता दें इससे साफ जाहिर होता है कि आखिर प्रशासन का डर कितना है ऐसे अपराधियों के अंदर जो खुलेआम इलाके के अंदर घूम रहे हैं और लोगों को धमकी दे रहे हैं। शिकायतकर्ता आमिर ने बताया कि दिल्ली पुलिस के सभी आला अधिकारियों से मुलाकात करने के बाद जब कार्यवाही नहीं हुई तो मीडिया का सहारा लिया। वहीं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी मीडिया को कि हारून हरीश और कामरान धमकी देते हैं और प्रोटेक्शन मनी रंगदारी मांगते हैं, और ना देने पर बड़े बड़े गैंगस्टर का नाम लेकर इन्हें डराया करते हैं, जिन्होंने डर के मारे इन्होंने एक बार 30 से 40 हजार रुपए भी दे दिए, जो उन्होंने चोरी छुपे वीडियो भी बना ली, जिस पर सबूत मिलने के बाद भी SHO चांदनी महल थाना कार्यवाही करने से बिल्कुल कतरा रही है। ऐसा लगता है SHO के साठगांठ से ऐसे अपराधी इलाके के अंदर घूम रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस जायसवाल और आप देख रहे हैं दिल्ली समाचार टीवी। इस वक्त हम सेंट्रल दिल्ली में और दरियागंज के इलाके में बैठे हुए हैं, यानी लगातार जिस तरीके से दिल्ली पुलिस भी इस चीज को नहीं संभाल सकती, यानी थ्रेट्स मिल रहे हैं, यानी रंगदारी
अगर बिहार की भाषा में बोले तो प्रोटेक्शन मनी, लेकिन उसको रोकने के लिए SHO महोदय नाकाम है। यानी FIR करके खाना पूर्ति कर देना और यानी आरोपियों को खुले में छूट देना। इसी पीड़ित परिवार हमारे साथ बात करने के लिए, क्या नाम है आपका और क्या चाहते हैं आप? सर मेरा नाम मोहम्मद आमिर है जी, और मैं मीडिया से यही चाहता हूँ कि एक तो मुझे प्रोटेक्शन मिले, दूसरा ये कामरान नाम का जो गिरोह चल रहा है, कामरान और आनू नारिस जी, इन तीनों का जो गिरोह चल रहा है, इन लोगों को FIR कर दी SHO साहब ने, इस पर अरेस्टिंग करें जी। अरेस्टिंग नहीं हो रही सर, 15 दिन हो चुके FIR हुए। तो आप क्या चाहते हैं, आखिर अरेस्टिंग क्यों नहीं हो रही है और FIR आपने कब दर्ज करवाई? SHO महोदय क्या कह रहे हैं आपको? सर FIR दर्ज हुई है वो बहुत टाइम के बाद हुई है, फरवरी से मैं चक्कर लगा रहा हूँ। तो जब मैंने थक हार के हर जगह, मतलब ACP साहब के पास भी गया, DCP साहब के पास गया, ज्वाइंट CP पे गया, कमिश्नर साहब पे गया, जब इन पे बिल्कुल ऊपर से प्रेशर आना शुरू हुआ तब इन्होंने जाके FIR करी है, वरना इन्होंने चार पाँच महीने मेरे को झुला दिया, SHO साहब ने कोई कार्रवाई नहीं करी। अब आखिर पूरा मामला क्या था, आखिर आप ऐसा क्या काम करते हैं जो आपको जो है ये लोग धमकी दे रहे हैं, प्रोटेक्शन मनी मांग रहे हैं, ऐसा क्या मामला है? सर मेरा काम जो है ठेकेदारी का है जी, जैसे पुराने मकानों को रिपेयरिंग करने का, प्लस्तर वगैरह का, पेंट का और चीज़ों का, मतलब छत बदलने का या किसी का कोई टूट फूट हो रही है वो रिपेयर करने का जी। तो इस तरीके का काम है। अब कोई काम हम कर रहे हैं उसके अंदर वो हमारी कंप्लेंट लगाता है जी, पुराने मकान बने हुए पे कंप्लेंट लगाता है जी, वो जी, जी। वो कंप्लेंट लगा के, मतलब हम रिपेयरिंग कर रहे हैं और वो कंप्लेंट लगाता है कि अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन कर रहा है, तो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन रिपेयरिंग के अंदर कहाँ आती है? वो कोई अगर आप दुकान बना रहे हैं उसमें दुकान पे कंप्लेंट लगा दी उसने, अधिकारी MCD हो चाहे पुलिस हो, वो हमसे कहता है कि आपके पास कोई भी आए आप मेरी बात कराओ, अच्छा आपके पास से वो आपसे पैसे नहीं मांगेगा, आप हमें प्रोटेक्शन नहीं दो। कहने का मतलब ये है कि पुलिस को और MCD के अधिकारी को पता है कि ये जो है रंगदारी टैक्स मांग रहा है और लेकिन पुलिस उसको कुछ नहीं कर रही और आपको बोले आप हमें बताइए, ऐसा क्यों? बिल्कुल सर, मेरे से मैंने MCD में शिकायत करी थी तो MCD के अफसर ने मुझसे कहा कि आप कामरान से बैठ के मामला कर लो, जो भी करना है, हम पे प्रेशर है, वो कंप्लेंट लगा रहा है, वो कोर्ट में चले गया, हाई कोर्ट चले गया था वो, दिल्ली हाई कोर्ट में जी। उसने कंप्लेंट लगाई दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जब मैंने इसकी वीडियो वगैरह जो बनाई थी पैसे मांगते हुए की, वो मैंने हाई कोर्ट में लगाई, तो हाई कोर्ट के जज साहब ने इसको चांदनी में SHO साहब को डायरेक्शन दी कि इस पर कार्रवाई करी जाए, तो SHO साहब ने 14 फरवरी की डायरेक्शन हुई है वो अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई, मतलब हाई कोर्ट की भी कोई मान्यता नहीं रखी है SHO साहब ने कि उस पर कोई कार्रवाई करी हो। अच्छा हाई कोर्ट ने क्या गाइडलाइंस दिया था? सर हाई कोर्ट ने गाइडलाइंस दी थी, मैं आपको दिखा देता हूँ पेपर। अच्छा उन्होंने क्या यानी गिरफ्तारी वीडियो सर वीडियो के ऊपर भी आप पे उन्होंने हाई कोर्ट ने कहा था कि इस वीडियो को देखें और इस पे जो सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है वो करें, लीगल एक्शन जो हो वो लें। लेकिन अब SHO महोदय क्या कह रहे हैं अरेस्टिंग को लेके? सर अरेस्टिंग का तो कोई अभी मामला रखा ही नहीं उन्होंने, उन्होंने तो NPW जो वगैरह होती है मतलब के वो कर दिए, और दूसरा मामला ये है हमें दिलासा देने की नहीं कह दिया कि आज हमने ये कर दिया हमने वो कर दिया, अरेस्टिंग नहीं करी अभी तक उसकी। अच्छा कहने का मेरा मतलब ये है कि ये जो लोग हैं ये कौन, इनका क्या नाम है, क्या करते हैं? सर ये इन्होंने एक NGO बना रखी है, चैरिटेबल NGO है कोई सीन की, तो उस NGO के आधार के ऊपर ये कंप्लेंट लगाते हैं कि हम तो समाज सेवा कर रहे हैं, समाज सेवा की आड़ में जो है ये पैसे की उगाही करते हैं। अच्छा अच्छा इनके टर्म्स जो हैं बदमाशों से, हाई लेवल के बदमाशों से, कोई छोटे मोटे बदमाश नहीं है कि लोकल एरिया के बदमाश होते हैं, इनके बड़े बड़े जो है गैंगस्टर से ताल्लुक आते हैं जी। जिसके भी आप पे इन्होंने मुझे भी कई दफ़ा थ्रेट दिलाई है, धमकी दिलाई है जी। जान से मारने की कई दफ़ा धमकी दी मुझे जी। तो मैंने SHO साहब से ये बात कही भी थी, SHO साहब ने मुझे, मैंने कहा SHO साहब कहने के तो हमारे पास पुलिस फालतू गई, हम प्रोटेक्शन कहाँ से देंगे? अच्छा हम प्रोटेक्शन कैसे दे दें? अच्छा, कोई आप पे कोई गोली चल गई, कोई आप पे कुछ हो गया, मतलब ये है कि उनका कहने का मतलब है आप जब आपके दो चार गोली आपके पड़ जाएंगी तब हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। अच्छा उससे पहले हम आपको कुछ नहीं देंगे, नहीं देंगे। यानी कहने का मतलब है कि SHO की मिली भगत है कहीं ना कहीं? सर ऑब्वियसली मिली भगत है, अगर मिली भगत नहीं होती तो इतना टाइम कोई लगता? सर FIR काटने के बाद अगर कोई कार्रवाई नहीं होती, बंदा बंद नहीं होता, तो इसमें आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? जाहिर बात है पुलिस को जिम्मेदार ठहराएंगे आप। 15 दिन हो गए FIR कटे हुए सर, अब क्या चाहते प्रशासन? सर प्रशासन से मैं तो सिर्फ आप लोगों से गुहार है मेरी कि ये वीडियो जो है आप मीडिया में चलाएंगे, आप मीडिया में दिखाएं इसको कि हमारे, हम जैसे बहुत सारे भाई हैं
और इसी डर के हमारे कोई आगे नहीं आता, क्योंकि उसे पता है कि ये पुलिस को पैसा भर दे या किसी को भर दे ये तो बच जाएंगे, जो कंप्लेंट करने वाला शिकायत करता है वो फंसेगा। आपने शिकायत करता से सारी कहानी सुनी, मैं आपको बता दूं कि एक एनजीओ से खुलासा हुआ था दिल्ली पुलिस के अंदर कि 600 करोड़ रुपए की रिश्वत जाती है दिल्ली पुलिस को। मैं आपको बता दूं ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारी अगर दिल्ली पुलिस में तैनात रहेंगे तो लोग मरते रहेंगे और प्रशासन चुप्पी मार के बैठी रहेगी। अब देखना यह होगा कि इस मामले में आखिर आला अधिकारी क्या कदम उठाती है। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ मैं प्रिंस जायसवाल, दिल्ली समाचार टीवी।